हेलो एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी दिस इज मी चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में रामशरण शर्मा ओल्ड एन कक्षा ग्यारह में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है गुप्त गुप्त डायनेस्टी गुप्त वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे जैसा कि आप सबको पता है जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो मौर्य वंश के बाद में सातवाहन और कुषाण दो बड़े हमें राज्य दिखाई देते हैं लेकिन इनसे भी बड़ा राज्य स्थापित किया गुप्त साम्राज्य ठीक है गुप्तवंश गुप्तों ने उससे भी बड़ा राज्य स्थापित किया इसमें कई सारे हम देखते हैं कि बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जैसे चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा राजा माना जाता है तो वंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की है साथ ही कला और साहित्य में ठीक है ये काल युग माना जाता है हमारे यहाँ पर तो आइए देखें और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से गुप्त वंश की स्थापना हुई किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और क्या विशेषताएं थीं गुप्त साम्राज्य की इस वंश की इसका प्रशासन इसका शासन और अंत में गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ठीक है तो आइए स्टार्ट करें सभी लोगों को गुड आफ्टरनून नमस्कार जय हिंद प्रणाम चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे बारे में आपको पता ही है और अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देता है आज की तारीख में आप ऑफलाइन से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं सामने है जो दिखता है वही है क्वालिटी के मामले में एक बढ़िया क्वालिटी आपको यहां पर मिलेगी और यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो नया आया है और एक रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन जो पहले से चल रहा है ये किसके लिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस चाहिए जिनका बैकग्राउंड उन्हें लगता है कि ज़ीरो है उन्हें शून्य से शुरुआत करनी है उन्हें एक पर्सनल मैंटोर एक कोच चाहिए टीम चाहिए जो उनके साथ लगातार तैयारी करे उनकी सहायता करे ऐसे लोगों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें पर्सनल कोच से लेकर हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी जो अन अकेडमी ने अभी अभी लॉन्च किया है इसमें आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टडी ट्रैकर सब कुछ होगा और दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नाइन्टी नाइन थाउजेंड में है यूज़ करिए सी के लाइव रेफरल कोड सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट होगा और एट्टी नाइन थाउजेंड हंड्रेड एक सो में आपका ये हो जाएगा दो साल का और एक साल का सिक्सटी फोर थाउजेंड का है जो सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद सत्तावन हज़ार छः सौ में आपको अवेलेबल होगा इसके अलावा नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन हमारा वैसा का वैसा ही एक साल का सी के लाइव रेफरल कोड करने यूज़ करने के बाद उनतालीस छः सौ और दो साल का सब्सक्रिप्शन सत्तावन हज़ार छः सौ में आपको तो यूज़ करना सी के लाइव रेफरल कोड और इसमें आपको ई एम आई फैसिलिटी भी है आप मंथली इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ई एम फैसिलिटी है और इसमें कंप्लीट कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर मेंस होगा कि नहीं इंटरव्यू होगा कि नहीं ठीक है इसमें आपका ऑप्शनल होगा कि नहीं करेंट होगा कि नहीं ऐसे होगा सब कुछ जो भी आपको यू की प्रिपरेशन में ज़रूरी है प्रिलिम्स मेन्स मॉक इंटरव्यू तक इसके साथ ही आप लोगों को ऑप्शनल आप लोगों को जीएस करेंट ऐसे राइटिंग सब कुछ इसमें मिल जाएगा और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ और जो लोग 2021, 2022 या 23 का टारगेट रखते हैं उन लोगों को अभी इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो और रिविज़न वगैरह आपका साथ साथ सारा कम्प्लीट हो जाए यूज़ माई रेफरल कोड फॉर कम्प्लीट योर सिलेबस जी एस पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री में इकोनॉमिक्स पेपर फोर ऐसे इंटरव्यू पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नोट्स और मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन सिलेक्शन तक जिस जिसको आपको ये चाहिए तो यूज़ करिए सी के लाइव रेफरल कोड और एक गलत फहमी अगर आपको कि ये सिर्फ मेरे लिए है ठीक है तो जितने भी एजुकेटर एन अकेडमी पर जितने मीडियम में पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेज मिलेंगी सिर्फ ये मेरे अकेले के लिए नहीं होगा लेकिन हाँ इससे आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मैंटोर के रूप में अवेलेबल होगा ठीक है तो आइए स्टार्ट करें हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हम बात करेंगे गुप्त गुप्त साम्राज्य के बारे में आप सभी ने गुप्त संवत का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा आपने कालिदास के बारे में सुना होगा आपने बहुत प्रकार से ये जाना होगा कि गुप्त वंश या गुप्त काल जो है ये भारत में स्वर्ण युग माना जाता है गोल्डन पीरियड माना जाता है ठीक है साहित्य का कला का तो इस बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ तो ईसा में हमने देखा था कि ईसा पूर्व की तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ नंदवंश के बाद में नंदों का पतन हुआ और उसकी जगह कौन आया मौर्य आए मौर्यों ने भारत में पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया तो मौर्य वंश जब तक रहा खासकर अशोक तक तब तक तो भारत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिखाई दी हमें लेकिन जैसे ही वंश का पतन हुआ तो कुछ छोटे छोटे राजवंश हमने देखे इसमें हमने कण्व देखा शुंग देखा उसके बाद हमने कुषाण देखा सातवाहन देखा साथ साथ में विदेशी आक्रमणकारी जैसे हिंद यूनानी हमने शक देखे पार्थियन देखे कुषाण देखे इसके बाद फिर से एक बड़ा साम्राज्य आया था और वो है गुप्त साम्राज्य तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दो बड़ी दो बड़ी राजनीतिक शक्तियाँ उभरी कौन कौन सी एक सातवाहन और दूसरा कुषाण मैं आप लोगों को सातवाहन भी पढ़ा चुका हूं और कुषाण भी पढ़ा चुका हूं जिन लोगों का पिछला सेशन छूट गया है जिन्होंने सातवाहन या कुषाण नहीं पढ़ा है तो एक बार रिकॉर्डेड सेशन में जाकर देख लें सातवाहन और कुषाण जिसमें हमने कनिष्ठ को और उसके पूरे साम्राज्य के बारे में भी बात की थी, थी। सातवाहन और कुषाणों ने ठीक है इनमें सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया हमने देखा था कि लगभग ये आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र के आसपास जो है सातवाहनों का राज्य था दक्कन में उन्होंने दोनों क्षेत्रों के रोमन साम्राज्य के साथ चले अपने व्यापार के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति कायम की पिछले सेशन में ये भी मैंने आपको बताया था कि उस काल में मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत अवस्था में चला गया उसका एक कारण था रोमन साम्राज्य के साथ बहुत ज़्यादा भारत का व्यापार हुआ और एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया भी था और वो स्टेटमेंट था प्लीनी का याद कीजिए प्लीनी प्लीनी जिसने पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री का है ना तो प्लीनी ने ये बोला भी था कि भारत के साथ व्यापार में रोमन साम्राज्य अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है एक तरफ़ भारत से मसाले हाथी दांत ये यहाँ से निर्यात किया जा रहा था बदले में रोमन साम्राज्य से बहुत सारा सोना हमारे यहाँ पर आ रहा था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारा सोना जो आ रहा था उस पर प्लीनी ने अफसोस जाहिर किया था याद आ रहा है कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको मैंने पढ़ाया था बताया था आपको कि बहुत सारा सोना भारत में उस व्यापार से आ रहा तो भारत को उस व्यापार से बहुत फायदा हुआ और उस काल में मौर्योत्तर काल में सातवाहन और कुषाणों के काल में भारत में शिल्प और व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज़्यादा हम क्या देखते हैं उन्नत अवस्था में उसको देखते हैं ठीक है थीके? तो उस रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार हुआ उसके बल पर सातवाहनों ने राजनीतिक एकता और आर्थिक प्रगति कायम की बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ राजनीतिक रूप से पूरे एक क्षेत्र में एकता स्थापित की उसमें भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए ठीक है हमने बात की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की वशिष्ठ पुत्र की ये सारे सातवाहन राजा हुए इसके साथ ठीक है कुषाण भी पीछे नहीं थे कुषाणों ने खास करके कनिष्क ने कनिष्क कनिष्क ने उत्तर में वही काम किया ठीक है दोनों साम्राज्यों का ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अंत हो गया तो कुछ सालों तक कुछ सालों तक हम देखते हैं कि कुषाणों और सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण में एक स्थायित्व दिया ये काल अच्छा भी था क्योंकि इसमें प्रगति भी हुई उन्नति भी हुई लेकिन बाद में हमने ये भी देखा था कि रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर बैन लगा दिया इसके बाद धीरे 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 पतन होने लगा व्यापार का वाणिज्य का और फिर धीरे धीरे काल में परिवर्तन आया और समय के साथ कुषाण और सातवाहन दोनों साम्राज्यों का क्या हो गया अंत हो गया तो मौर्य के बाद में हमने कुषाण और सातवाहन में थोड़ा बहुत स्थायित्व देखा और उसका कारण भी मैंने बता दिया इसके बाद अब आए हैं गुप्त ठीक है कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ और जिसने कुषाण और सातवाहन दोनों के पिछले राज्य क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और यही था गुप्त साम्राज्य तो जो कुषाणों का एरिया था जो सातवाहनों का एरिया था उस एरिया के एक बड़े भाग पर अपना राज्य स्थापित किया किसने गुप्तों ने ठीक है तो गुप्त वंश ने इन दोनों साम्राज्यों के ठीक है अवशेषों पर इनके ही राज्य क्षेत्र में एक बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो आपको मौर्य मौर्य के बाद में कुषाण सातवाहन और उसके बाद सीधा गुप्त ये याद कर लेना है गुप्त साम्राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है जैसे मौर्य महत्वपूर्ण है वैसे ही गुप्त साम्राज्य भी महत्वपूर्ण है ये थे कौन गुप्त आखिर कौन थे कई सारे लोगों का मानना है कि गुप्त वैश्य थे वैश्य वैश्य समझते ना हमारे यहाँ पर चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनिया व्यापारी तो कई लोगों का इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त हैं ये वैश्य थे ये बनिए थे ठीक है मूलतः ये क्या रहे होंगे मूलतः गुप्त जो है वो वैश्य रहे होंगे और इनका साम्राज्य इतना बड़ा तो नहीं था जितना मौर्य अब मौर्य साम्राज्य के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था हाँ बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाएंगे मैं आपको अभी मॉडर्न भी करवा रहा हूँ एनशियट भी करवा रहा हूँ मध्यकालीन भी करवाऊँगा ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से कि मैं इसके बाद मध्यकालीन भी पढ़ाऊँगा आपको मॉडर्न भी आपको मैं करवा रहा हूँ और बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री हो भी होगा शु, आर्ट एंड शु, कल्चर भी शुक्रवार शुक्रवार को चल रहा है हमारा तो ये उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य फिर भी इसने सारे उत्तर भारत को 335 सौ ईस्वी से 455 लगभग 200 साल लगभग आप देखिए कि एक सो, सवा सौ साल के आसपास की बात है सौ सवा सौ साल तक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा तो इसने राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा उत्तर भारत को और उस समय उस काल में स्थायित्व दिया था ठीक है तो ये जो साम्राज्य है ये आप देख सकते हो इसका पूरा के पूरा विस्तार उत्तर में पंजाब से लेकर यहाँ से आप देखो पंजाब से लेकर तो नीचे यहाँ पर ठीक है महाराष्ट्र की सीमा तक ये आपको दिखाई दे जाएगा इधर आप देखोगे पाकिस्तान से लेकर तो इधर पूर्व में बंगाल की सीमा तक ये आपको दिखाई देगा इतना बड़ा तो खास करके ये जो एरिया है ये एरिया कौन सा है उत्तर भारत का एरिया मतलब ये मुख्यतः वही एरिया जिस पर कुषाण राज करते थे समझ में आ रहा है क्लियर है ये कुषाण ये कुषाण राजवंश के ही ज्यादातर एरिया पर इनका साम्राज्य दिखाई देता है उत्तर भारत में तो लगभग सौ सवा सौ सालों तक इन्होंने एक बढ़िया स्थायित्व दिया ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था तो शुरुआत कहाँ से हुई गुप्त वंश की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार से हुई ठीक है यहाँ से ये शुरू हुए और धीरे धीरे अपना राज्य ये यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते ये इधर 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 और यहाँ तक इन्होंने फैला लिया तो विस्तार किया धीरे धीरे क्योंकि कई सारे प्रतापी राजा यहाँ पर आए बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह कुषाण पुरावशेष पुरावशेष का मतलब है कि जहाँ पर कुषाणों का राज्य था उसको ठीक है पुरा अवशेषों के ठीक बाद गुप्त पुरावशेष मिलते हैं तो जो अवशेष हैं जो साक्ष्य हैं हमें मिलते हैं कुषाणों के उसी जगह पर वहीं पर हमें उसके बाद में गुप्त वंश के साक्ष्य मिलते हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि वह लगभग वही एरिया वही एरिया जो कुषाणों का था उस पर गुप्ता आए बाद में लगता है कि गुप्तों ने जीन लगाम बटन वाले कोट ठीक है आपने देखा हो घोड़े की एक जीन होती है लगाम बटन वाले कोट हम जो कोट पहनते हैं बटन वाले पतलून और जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा हमें पिछले सेशन में हम ये बात कर चुके हैं हम ये बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से जब कुषाण आए तो कुषाणों के संपर्क के कारण भारत में कई सारी चीज़ें आई जैसे हमने कुर्ता पायजामा के बारे में बात की थी जो बाद में शेरवानी के रूप में हम देखते हैं लंबे कोट जूतों का इस्तेमाल ठीक है घोड़ों पे लगाम जीन ये सारे कुषाणों से हमारे यहाँ पर आए थे तो ये लगता है ठीक है ये लगता है कि कहीं न कहीं कहीं ये जो कुषाण हैं इन्होंने ही सिखाया गुप्तों को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कोट बटन वाले पतलून जूते ये सारे इन सबों से उनमें गतिशीलता आई और उनके घुड़सवार खूब कारगर हुए तो जैसे कुषाणों के घुड़सवार एक उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं हम समझते हैं कि कुषाणों ने अपने घुड़सवारों के दम पर बड़े एरिया को जीता वैसे ही गुप्त साम्राज्य में भी इन घुड़सवारों का बड़ा योगदान था ठीक है इन्होंने बड़े पैमाने पर साम्राज्य का विस्तार करने में इनकी सहायता की कि घुड़सवारों ने कुषाणों की व्यवस्था में अश्वचालित रथ का और हाथी का महत्व समाप्त हो गया मौर्य काल की बात मौर्य काल में हाथी का बहुत महत्व था याद कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बहुत सारे हाथी थे ठीक है तो हाथी का बहुत महत्व था मौर्य वंश के समय में लेकिन धीरे धीरे वो हाथी का महत्व और अश्वचालित रथ ऐसे रथ जिनको घोड़े खींचते थे उनकी जगह पर तो उनका महत्व कुषाणों के समय में धीरे धीरे समाप्त हो गया और उनकी जगह कौन आ गए घुड़सवार घोड़े पर सवार सैनिक उसकी जगह घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई तो परिवर्तन ये भी है परिवर्तन ये भी है कि जहाँ पहले हाथी का महत्व बहुत हुआ करता था सेना में किसी राजा के लिए उसकी सेना में हाथी का अपना महत्व था उसकी जगह कौन आ गया घुड़सवार आ गए अश्वचालित रथ भी खत्म हो गए यह बात गुप्तों के बारे में भी कही जा सकती है और इसीलिए उनके सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है तो कुषाण और गुप्त लगभग सेम उसी चीज पर उसी ढर्रे पर हमें दिखाई देते हैं तो जैसे कुषाणों के काल में घुड़सवारों का महत्व था वैसे गुप्त के काल में भी था और ये बात इसलिए बोली जा सकती है क्योंकि गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर हमें घुड़सवार दिखाई देते हैं समझ में आ रहा है सबको कई लोगों का तो ये भी मानना है कि कुषाण के सामंत ही थे गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे इन्हीं के काल में धीरे धीरे इनका उदय हुआ और गुप्त शक्तिशाली हुए और एक बड़े राज्य की इन्होंने स्थापना की हालांकि ये राज्य जैसा कि मैंने बताया मौर्य साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था फिर भी ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था इस अनुकूल परिस्थितियों के बल पर गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य ठीक है अनुगंग अनुगंगा का मतलब है मध्य गंगा का मैदान ये उत्तर प्रदेश बिहार की बात हो रही है मध्य गंगा का मैदान आप समझते होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की ठीक है बात हो रही है तो अनुगंग में आधुनिक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद साकेत अयोध्या जिसको कहते हैं इसके आसपास उन्होंने अपना साम्राज्य पहले स्थापित किया तो यह लाइन तो शुरू में ही आ गई थी ये शुरू में ही आ गई थी कि गुप्तों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास अपना राज्य अपना साम्राज्य स्थापित किया क्लियर है ठीक है अब देखो काल यह राज्य भारतव्यापी साम्राज्य बना और धीरे धीरे यह राज्य स्थापित होते भारत के बहुत बड़े भाग में स्थापित हो गया उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 सौ ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई तो कुषाणों की सत्ता भी 230 या तीसरी शताब्दी में समाप्त हो चुकी थी तब मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुडो के कब्जे में आया जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे तो कुषाण वंश के पतन के बाद ठीक है कुषाण वंश के पतन के बाद एक बड़ा भाग उस पूरे इलाके का मुरुडो के कब्ज़े में आया और ये कौन थे ये कुषाणों के रिश्तेदार थे इन्होंने लगभग 250 ईसवी तक राज किया लगभग 20 साल 25 साल तक और उसके बाद दो ईसवी में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आई तो वैसे तो गुप्त वंश की जो शुरुआत है सत्ता की वो दो ईसवी से मानी जाती है पर हम लोग इसको गुप्त संवत के आरंभ से चंद्रगुप्त प्रथम से देखते हैं तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम वैसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है घटोत्कच उसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम तो फर्स्ट सबसे पहले सबसे पहले सबसे प्रतापी राजा जो गुप्त वंश का हुआ है पराक्रमी वो है चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम 319. 319 से 334 सौ ईस्वी में तो ये जो है ना ये पहला राजा नहीं है एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लें आप सब लोग चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला राजा नहीं है ये गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा है गुप्त वंश हमने देखा कि लगभग 275 सौ ईस्वी के आसपास पावर में आ चुका था और मैंने बताया कि संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता ठीक है <coughs> ना क्लियर है कंफ्यूजन तो नहीं होगा गुप्त वंश का पहला शासक या संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है उसके बाद घटोत्कच आया और लेकिन पहला प्रसिद्ध राजा गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये पहला प्रसिद्ध राजा है नहीं तो फिर आप में से कई लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में आएंगे और फिर बोलेंगे सर आपने बोला कि गुप्त वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम है हमने तो किताब में श्रीगुप्त पढ़ा तो पहले ध्यान से सुन लेना कि ये प्रसिद्ध राजा है पहला इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जो संभवतः नेपाल की थी हमने बौद्ध काल में भी पढ़ा है लिच्छवी वंश के बारे में ठीक है हमने पहले भी बात की है लिच्छवी वंश के बारे में तो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने वो नेपाल की थी और इससे उसकी सत्ता को बल मिला मतलब नेपाल के आसपास भी उसकी थोड़ी सी पैठ बनने लगी ये संभवतः वैश्य थे गुप्त इसलिए क्षत्रिय कुल में विवाह करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो आपको पता ही है कि वैश्य उस सोपान में तीसरे क्रम पर आते हैं क्षत्रिय इनसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण उनसे भी ऊपर आते हैं तो चूंकि लिच्छवी जो अपने आप में क्या माना जाता है हमने बुद्ध को भी क्या बोला है बुद्ध भी क्या थे बुद्ध भी क्षत्रिय थे ना तो लिच्छवी क्षत्रिय भी थे तो लच्छ क्षत्रिय थे और लिच्छवी जो हैं इनसे विवाह के संबंध की स्थापना के बाद गुप्तों की प्रतिष्ठा बड़ी होगी क्योंकि ये इनका प्रमोशन हो गया ये वैश्य थे और शादी इन्होंने क्षत्रिय में की ठीक है क्लियर तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बड़ी होगी चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक बन के जो है सामने आया सिद्ध हुआ इसने 319-20 में जब ये सिंहासन पर बैठा इसका राज्यारोहण हुआ तो इसने एक संवत चलाया गुप्त संवत और आप सभी को है गुप्त संवत कई बार आपको बताया है कौन कौन से संवत याद करना है एक विक्रम संवत दूसरा शक और तीसरा गुप्त ये तीन दो पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को अब आप, आप सभी को याद होगा जब मैंने बताया था कि उज्जैन के एक राजा ने जिसने एक शक को हराया था शक राजा को शकारी की उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की उसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में सत्तावन ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था जब कनिष्क गद्दी पर बैठा कुषाण वंश का अठहत्तर ईस्वी में तो उसने शक संवत चलाया और जब तीन सौ उन्नीस में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा तो इसने गुप्त संवत चलाया, याद है कि नहीं है याद है याद होगा आप लोगों को मैंने पहले भी आपको बताया था शक विक्रम और गुप्त संवत के बारे में ठीक है ना तो एक क्लियर अपने दिमाग में ये रखें कि हमारे यहां पर ये टोटल तीन संवत है।, है ना एक गुप्त संवत, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। और शक संवत के बारे में डिटेल में मैंने बताया था क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है तो गुप्त संवत चला था 319 में जब चंद्रगुप्त प्रथम बैठा बाद के कई अभिलेखों में काल निर्देश में जो है इस संवत से किया गया मिलता है तो फिर इसका प्रयोग किया गया बात के कई सारे अभिलेखों में तो ये इसी के काल में इसके बाद में आफ्टर चंद्रगुप्त प्रथम फिर आया एक बड़ा एक बड़ा शासक गुप्त वंश का अगला शासक अपने पिता से कहीं ज्यादा प्रतापी सिद्ध हुआ। और ऐसा माना जाता है कि पूरे गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना यह चंद्रगुप्त का प्रथम जो है का पुत्र और उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त जिसने 335 से 380 ईसा के बीच में राज्य किया लगभग 45 साल तक तो। पैतालीस वर्ष इसने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया तो ये गुप्त साम्राज्य को बहुत ठीक है बड़े पैमाने पर विस्तार दिया ठीक है इसने बहुत बड़े पैमाने पर गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाया परंतु एक चीज़ है ये अशोक के विपरीत था इतिहास पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जैसे अशोक मौर्य साम्राज्य का जो अशोक था वो एक शांति की नीति पर चला बाद में धम्म की नीति को अपनाया आफ्टर कलिंग कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था तो 261 सौ ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ उससे अशोक का मन द्रवित हुआ उसको पश्चाताप हुआ दुख हुआ और उसने शांति और अहिंसा की नीति का मार्ग अपनाया तो जैसे अशोक ने शांति की नीति अपनाई थी ये उसके विपरीत था ठीक है अशोक जहाँ शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था तो समुद्रगुप्त को हिंसा और विजय में आनंद आता था मतलब इसके बारे में ये माना जाता है कि एक ऐसा राजा था जिसको आनंद आता था हिंसा में मतलब समझ रहे हो आप लोग हिंसा में जीतना हराना दूसरे राज्यों को शत्रुओं को राजाओं को उसमें इसको आनंद आता था ठीक है तो हिंसा में और विजय में इसको मजा आता था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम आप सबको पता है हरिशेण हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सुना होगा आपने हरिशैन इसका दरबारी कवि था और अपनी प्रयाग प्रशस्ति में प्रशस्ति क्या होती है जब भी आप प्रशस्ति शब्द सुने इतिहास में उसका मतलब होता है प्रशंसा प्रशंसा तो हरिशैन ने पेट भर के दिल खोल के इसकी परीक्षा जो है इसकी प्रशस्ति में इसके पराश जो है पराक्रम का बहुत ज़्यादा उदात्त वर्णन किया है और इसको भारत का सबसे महान शासक बताया सबसे वीर सबसे बहादुर शासक के रूप में इसको एक प्रकार से अपराजय के रूप में अपराजय अगर हरिशेण की माने तो समुद्रगुप्त कभी जीवन में हारा ही नहीं हरिशेण के हिसाब से समुद्रगुप्त ने कभी भी जीवन में हार का मुंह नहीं देखा मतलब इसने जितने युद्ध लड़े उतने युद्ध में इसको विजय प्राप्त हुई कोई इसको हरा नहीं सकता था ये मानना है हरिशेण का ठीक है तो हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पराक्रम के वर्णन के ऊपर लिखी गई है समुद्रगुप्त के द्वारा विजित स्थान और क्षेत्रों को हम पांच समूहों में बांट सकते हैं तो पूरा एरिया समुद्रगुप्त का पांच समूहों में बांटा जा सकता है कौन कौन से पहला समूह गंगा यमुना दोआ ठीक है गंगा यमुना वाला एक क्षेत्र के वे राजा जिन्हें हराकर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए तो ये तो गुप्त में डायरेक्ट शामिल था ही से ही प्रत्यक्ष तौर पर दूसरा समूह पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक जैसे नेपाल असम बंगाल आदि के राजा समुद्र गुप्त ने उन्हें अपने बाहुबल के प्रभाव का अनुभव करवाया तो एक तो हमने देखा कि गंगा यमुना का दोआब दूसरा पूर्वी हिमालय में जैसे नेपाल असम बंगाल के राजा उन्हें भी अपने शक्ति का अनुभव करवाया इस समूह में पंजाब के कुछ गणराज्य भी हैं जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर टिमटिमा रहे थे और उन्हें समुद्र गुप्त ने सदा के लिए बुझा दिया तो इसी के साथ में पंजाब के कुछ जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ ना तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे छोटे 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 राज्य कई छोटे छोटे शासकों ने अपने वहाँ पर स्थापित किए थे ठीक है तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने उन पर भी कब्जा किया पंजाब के गणराज्य पर भी कब्जा किया तीसरा समूह अटाविक राज्य अटाविक राज्य मतलब जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्यों को अटाविक राज्य तो ये अटाविक जो है ये जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य के लिए यूज हुआ जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे उन सबको समुद्रगुप्त ने अपने वश में कर लिया मतलब ये बात कर रहा है विंध्य के आसपास के इलाकों की तो समुद्रगुप्त ने विंध्य क्षेत्र के आसपास भी अपने राज्य की स्थापना की चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के शासक ठीक है जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया और समुद्रगुप्त की बाहें बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु में कांची तक पहुंची जहाँ उसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई तो ये भी माना जाता है कि समुद्रगुप्त दक्षिण में तमिलनाडु तक चला गया और वहाँ भी उसने अपनी विजय का डंका बजाया अपने पराक्रम का लोहा मनवाया और पल्लवों को जो उस समय शासक थे वहाँ पर कौन पल्लव पल्लव शासकों से अपनी प्रभुसत्ता को स्वीकार करवाया मतलब समुद्रगुप्त ने दक्षिण में भी अपनी विजय पता का फहराई पांचवे समूह में शक और कुषाणों के नाम जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया और सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया तो आप देख रहे हो कि क्यों समुद्रगुप्त को इतिहास में इतना बड़ा शासक माना जाता है इसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य सब जगह अपनी विजय पताका फहराई ये पूर्व में नेपाल असम बंगाल तक चला गया पश्चिम में वो अफगानिस्तान और उस पूरे वहाँ तक चला गया उत्तर में पंजाब तक और नीचे दक्षिण में तमिलनाडु तक जीत कर आया और पल्लवों से अपनी प्रभु प्रभु सत्ता स्वीकार करवाई मतलब कि उनको भी अपने अधीन किया उनको भी हराया तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि समुद्र गुप्त का विजय अभियान अगर हम वास्तव में माने कि ये सही है जो भी हम पढ़ रहे हैं तो फिर हरिशैन सही था हरिशेण ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में सही बात बोली है कि इस राजा ने कभी जीवन में हार का मुंह देखा ही नहीं ये जहाँ गया वहाँ जीता और वैसे शुरुआत में हमने बोला कि ये साहसी था वीर था और साथ में इसको हिंसा में मज़ा भी आता था तो अगर किसी के किसी को आप कहें कि वो बहुत बलशाली है और बहुत वीर है और उसको मज़ा आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेगा उसको युद्ध में विजय में हिंसा में आनंद आ रहा है तो फिर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध लड़ेगा ही सही और अगर हारा ही नहीं कभी जीवन में ठीक है बड़ी बात यह है कि हमने अभी देखा कि समुद्रगुप्त पूर्व में गया तो भी जीता पश्चिम में गया तो भी जीता उत्तर में गया तो भी जीता और दक्षिण में गया तो भी जीता मतलब चारों दिशाओं का कोई भी राजा इस राजा को हरा नहीं पाया क्लियर क्यों कहा जाता है मतलब भारत का नेपोलियन अभी आप में से कई लोगों ने कमेंट में मुझे बताया मैं देख रहा था कि आप बोल रहे हैं बार बार कि ये नेपोलियन ऑफ इंडिया बिल्कुल सही ये भारत का नेपोलियन माना जाता है और इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये विजय हासिल करता गया और कभी हारा ही नहीं एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्बन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था और इसकी अनुमति भी उसे मिली और यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ तो एक और हमारे पास ठीक है चीनी स्रोत जिससे ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन ठीक है मेघवर्मन जो है वो बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए इसके दरबार में अपना दूध भेजा इसने अनुमति दी और एक बड़ा बौद्ध विहार बना यदि हम इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति और अभी बताया था किसकी है ये इसका दरबारी कवि पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप प्रशस्तियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते उसका एक कारण था कारण यह है कि जो दरबारी कवि होते हैं ना वो तो अपने आश्रयदाता अपने अन्नदाता को खुश करने की कोशिश करते हैं ना वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशस्ति में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है ताकि वो राजा खुश हो बदले में तोहफे दे उपहार दे धन दे दुनिया भर के रत्न आभूषण दे तो प्रयाग प्रशस्ति भी एक प्रशंसा ही है तो हम इतना ज़्यादा भरोसा उस पर कर भी नहीं सकते क्योंकि जितने भी प्रशस्तियाँ लिखी हुई है इतिहास में वो सब अपने शासकों को महान ही बताया गया सब में मतलब उसमें निष्पक्ष रूप से कई बार चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको ये बायस्ड होती है झुकी होती है पूरी तरीके से अपने राजा के पक्ष में भले ही राजा एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक होगा पर प्रशस्ति में ऐसा दिखाया जाएगा कि उससे वीर पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा इससे राजा खुश होता था ठीक है आपको तो पता ही है कि बड़े बड़े राजाओं खासकर ठीक है उनको तो स्तुतियाँ अच्छी लगती चाटुकार चमचे अच्छे लगते हैं आवाज़ नहीं आ रही क्या सब लोगों को बात प्रॉब्लम आवाज़ तो आ रही है आवाज तो आ ही रही होगी आपको सभी लोगों को आ रही है तो एक आध को प्रॉब्लम आ रही होगी तो समुद्रगुप्त के बारे में भी ठीक है अब इलाहाबाद की अगर प्रयाग प्रशस्ति पर विश्वास करें तो प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा अब यह भी है ठीक है समुद्रगुप्त को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा यह हमें प्रयाग की प्रशस्ति से समझ में आता है इसे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है फैक्ट सभी लोग जानते हैं आपने सभी को पता है कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन माना जाता है ये ऐसा भी बोला जाता है कि संगीत प्रिय था क्योंकि इसके सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वीणा बजाते हुए अब पता नहीं वीणा बजाता था या खाली लेकर बैठा है कौन जाने आती थी कि नहीं आती थी पर ये बोल सकते हैं ठीक है आगे समझ में यही तो आपको समझना है कि वीणा से हमें बस इतना समझ में आता है कि संगीत प्रिय होगा ठीक है ये तो हो गया अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्र गुप्त के बाद कौन आया ये भी बड़ा हालांकि समुद्रगुप्त ज़्यादा प्रतापी और ठीक है शक्तिशाली माना जाता है परंतु चर्चा में ज़्यादा ये रहता है आप हमेशा देखेंगे हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इस राजा के बारे में ज्यादा जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय है। आप सभी का ठीक है फेवरेट विक्रमादित्य हमारे यहां पर पहले रामानंद सागर का एक सीरियल भी आता था विक्रम वेताल अगर आपने कभी विक्रम वेताल देखा हो नहीं रही आवाज कुछ लोगों को आ रही है कुछ को नहीं आ रही है ऐसा कैसे हो सकता है सभी लोगों को आ रही है आवाज तो प्लीज कंफर्म कर दो आवाज आ रही है बाकी लोगों को आ रही है इक्का दुक्का को नहीं आ रही है यह कैसे पॉसिबल है अगर बाकियों को आ रही है तो आपके एंड से प्रॉब्लम है यहां से कोई दिक्कत नहीं रिफ्रेश कर लो एक बार तो विक्रमादित्य जो है आपने वो विक्रम वेताल वाला सीरियल देखा होगा ना उसमें विक्रम यही है और वेताल इसका एक नवरत्न में से एक वेताल भट्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके दरबार में भी नौ रत्न माने जाते हैं कि नौ रत्न थे अलग अलग ठीक है वेताल भट्ट वरुचि घटकर पर कालिदास क्षपणक शंकु इसके बारे में हम अभी बात करेंगे अमर सिंह तो ये विक्रमादित्य बहुत फेमस हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा तो इसने अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य स्थापित किया उस राज्य को और फैला दिया विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अब इसका एक तरीका इसने विजय भी की और शादी भी की और दोनों तरीकों से अपने राज्य का विस्तार किया ठीक है पिता सिर्फ विजय के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया था पिता ने और पुत्र ने विवाह और विजय दोनों की नीति को अपनाया ठीक है तो इसने विजय के सहारे और विवाह के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई इसने अपनी कन्या प्रभावती इसकी एक कन्या थी उसका नाम था प्रभावती जिसका विवाह उसने वाकाटक नरेश से करवाया था जो ब्राह्मण जाति का था अब देखो हुआ क्या इसने अपनी बेटी अपनी पुत्री ठीक है प्रभावती की शादी वाकाटक नरेश से की ठीक है जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में शासन करता था वो मर गया जो वाकाटक नरेश है इसका दामाद वो जल्दी मर गया तो उसके मरने के बाद उसका जो नाबालिग पुत्र था वो उसका उत्तराधिकारी बना और इसकी पुत्री प्रभावती वास्तविक शासिका हो गई तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभुत्व वाकाटक साम्राज्य पर भी हो गया ठीक है क्योंकि बहन शासक थी ठीक है बहन जो है वो शासक बन गई पति के मरने के बाद तो इसलिए इसका प्रभुत्व कहीं ना कहीं वाटा वाकाटक साम्राज्य पर भी हुआ भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख जिनकी लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है बतलाते हैं कि प्रभावती अपने पिता के हित में काम करती थी तो बेटी पिता के कहे अनुसार चलने लगी और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बेटी की वजह से पिता का प्रभुत्व इस प्रकार मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन अपना प्रभाव जमाया किसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व कायम कर लिया और वहाँ 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया आप सभी को बताया था मैंने सबसे पहले उज्जैन के एक राजा ने लगभग सत्तावन ईसा पूर्व में शकों को हराया था और उसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य बाद में ये बड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ठीक है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपाधि हो गई फेवरेट हो गई राजाओं की और इतिहास में हमें एक के बाद एक चौदह विक्रमादित्य दिखाई देते कितने सारे अब कई सारे बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो कोई इशू नहीं है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है तो जब वो पढ़ते हैं ना तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर सत्तावन ईसा पूर्व में विक्रमादित्य मिल रहा है ये तीन सौ ईस्वी के बाद भी विक्रमादित्य मिल रहा है तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखें कि इतिहास में एक दो नहीं चौदह विक्रमादित्य हुए और इन सभी में जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये वाला सबसे ज्यादा फेमस यही है तो अगर कभी खाली विक्रमादित्य शब्द सुने ना तो वो यही राजा है मतलब ज़्यादातर यही माना जाता है फेमस यही है, है तो चौदह लेकिन सबसे प्रसिद्ध हुआ ये इसने भी 400 साल पुराने शक का शासन का अंत किया और ये भी विक्रमादित्य बना इसने भी वही उपाधि धारण कर ली और ये सबसे फेमस हो गया क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक तो कालिदास इसका दरबारी कवि माना जाता है उज्जैन जैसे जहे नगर में इसने शासन किया और वहाँ पर कई सारी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है आपने सिंहासन बत्तीसी का नाम सुना होगा ठीक है सिंहासन बत्तीसी विक्रम बेताल की कहानियाँ ये सब कुछ इस राजा को फेमस कर देती है आ रहा है समझ में तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है इसने धीरे 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 विवाह के द्वारा और विजय के द्वारा तो वाकाटक पे गुजरात में मालवा पे धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया इस विजय से इसको पश्चिमी समुद्र तट मिला जो व्यापार और वाणिज्य के लिए मशहूर था तो भारत का वो गुजरात के आसपास का जो समुद्र तट है वो इसको मिल गया जिससे इसको बहुत फायदा हुआ ठीक है ना तो व्यापार और वाणिज्य के लिए वो वैसे ही मशहूर था इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन वो समृद्ध होता गया तो जैसे ही पश्चिमी समुद्र तट पर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य हुआ वैसे ही उज्जैन को फायदा हुआ ठीक है और लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया और माना भी जाता है उज्जैन का शासक उज्जैनी का महान शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को दिल्ली में कुतुब मीनार के बारे में हम बात कर चुके हैं जो कि सल्तनत काल की एक इमारत है वास्तुकला का एक भव्य नमूना है ठीक है तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ठीक है कुतुब मीनार शुरू की गई थी वहीं पर आप देखो उसके पास में एक लौह स्तंभ है दिल्ली में एक लौह स्तंभ है उस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ इसी का माना जाता है वो चंद्र नामक राजा यही माना जाता है और इसकी एक ख़ास बात यह है आप सभी ने पढ़ा होगा इतने सालों के बाद भी हजारों साल हो गए अभी तक उस पर जंग नहीं लगी है ठीक है तो इतिहास में ये बड़ा ही फेमस जो राजा हुआ है लौह स्तंभ का भी संबंध इसी से माना जाता है इसने भी वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और यही उपाधि सत्तावन ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने भी शकों को हराने के उपलक्ष्य में धारण की थी तो ये भी विक्रमादित्य बना ठीक है इसका उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था अब आपको पता है कि इसके दरबार में नवरत्न थे आ रहा है समझ में क्लियर आवाज क्या चक्कर है कई लोगों को आवाज आ रही है दो तीन लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही आवाज तो यहाँ से परफेक्ट है अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से कुछ लोगों को आवाज़ भेजी जा रही है कुछ को नहीं भेजी जा रही है वो आपको थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा आवाज के लिए इसके नवरत्न कौन से हैं चलिए इनके ऊपर हम एक बार बात करते ठीक है विक्रमादित्य के नवरत्न एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसके नवरत्न के कौन कौन थे नवरत्न और वो क्या थे वॉइस क्लियर है ना हाँ तो वॉइस तो क्लियर है बाकी लोगों को एकाध दो को प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहला नाम है इसके नवरत्न में वरुचि वररुचि कवि था ये नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं मेरे साथ सबसे पहला वररुचि वर रुचि वर क्या था वररुचि कवि ठीक है वररुचि के बाद में अगला नाम आता है वेताल भट्ट का ये इसका सेना नायक या द्वारपाल माना जाता है सेना नायक या द्वारपाल और वो जो विक्रम वेताल वाली कहानी है वो विक्रम वेताल वाली कहानी में ये वेताल भट्ट यही है जो किरदार है वो इसका नवरत्न में से एक था जो सेनानायक या द्वारपाल माना जाता है जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है ठीक है उसका आंसर देता है विक्रमादित्य अगला नाम है कालिदास का और आप में से शायद कौन नहीं जानता है कालिदास महाकवि कालिदास कवि कालिदास के विषय में वैसे तो बहुत ही हम कहें कि कन्फ्यूजन है कि वो कब के थे उनका काल क्या था फिर भी जो मोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है ठीक है जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का काल तो ये उसके नवरत्न में से एक माने जाते हैं कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक लिखा मालविकाग्निमित्र लिखा विक्रमौरवशीय लिखा रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य लिखे मेघदूत और ऋतुसहार दो खंडकाव्य लिखे तो कालिदास की कुल सातों रचनाएं हमें दिखाई देती है मुख्य रूप से तो कालिदास क्या थे कवि थे अगला नाम आता है धनवंतरी का धनवंतरी का संबंध आयुर्वेद से है ठीक है धनवंतरी का संबंध आयुर्वेद से है जैसे औषधि वगैरह के ये बड़े ज्ञाता माने जाते हैं धनवंतरी ठीक है धनवंतरी हमारे चौथे रत्न हो गए पांचवें रत्न है इनके अमर सिंह इन्होंने एक रचना लिखी अमरकोश अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह ठीक है यह भी आपको था शब्द कोश है अपने आप में अमरकोश अगले रत्न माने जाएंगे इनके ठीक है इसके बाद में वराह मिर ये खगोल शास्त्रीय ज्योतिषी थे वराहमिहिर ये भी विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे ठीक है समझ में आ रहा है आपको इसके छठे वराहमिहिर हमने देखा अगला है शंकु शंकु का नाम सुना होगा आपने ठीक है ये नीति से संबंधित कार्य देखता था ठीक है शंकु कितने हो गए टोटल सात हो गए आठवां नाम है घटक और नवा नाम है क्षपणक ये हो गए दस नौ ठीक है ये साहित्यकार माना जाता है और क्षपणक जो है वो व्याकरण ये नवरत्न हो गए क्लियर समझ में आ रहा है सबको नौ के नौ रत्न आपने लिख लिए ये नव रत्न है विक्रमादित्य के वररुचि जो कवि था वेताल भट्ट जो सेना नायक या दंड पाल था कालिदास कवि धनवंतरी आयुर्वेदिक उससे जुड़े हुए अमर सिंह अमरकोश के रचनाकार वरहमीर जो ज्योतिषी या खगोल शास्त्री थे शंकु नीति विशेषज्ञ था घटकर पर जो है वो कवि था और क्षपणक व्याकरणकार आगे समझ में ये लिख लो नोट कर लो अगर आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग जिन जिनको स्क्रीन लेना है वो ले ले ये नवरत्न और अगर आप उज्जैन कभी आएंगे आठवां नाम घटकर पर कवि है कवि साहित्यकार कवि या साहित्यकार आप लोगों को कभी उज्जैन आना होगा तो आप देखेंगे कि इस शहर में ये जो नवरत्न है कालिदास की, के सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम पर सड़कें हैं आपको सारे मार्ग मिल जाएंगे उज्जैन में वररुचि मार्ग भी है वेताल भट्ट मार्ग भी है कालिदास मार्ग भी है धन्वंतरी मार्ग भी है अमर सिंह मार्ग है वराहमिहिर मार्ग है शंकु मार्ग है पर मार्ग है और क्षपणक मार्ग है नौ के नौ रत्नों पर आपको रास्तों के नाम मिल जाएंगे मार्ग के नाम ठीक है सातवा शंकु नीति नीति विशेषज्ञ नीति विशेषज्ञ ठीक है चलो तो ये हो गए विक्रमादित्य के नौ रत्न तो ये इनका जो उज्जैन स्थित दरबार है उसमें कालिदास, अमर अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान हमें दिखाई देते हैं नवरत्न इनके समय में ही चीनी यात्री फाइयान भारत आया था और यहां के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया फाइयान फाइयान जो है ये आप देखेंगे कि चीनी यात्री था और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइयान किसके काल में आया था तो फायान इसी के काल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के और वेनसांग वो हर्षवर्धन के काल में आया था ठीक है जो हम पुष्यभूति वंश देखते हैं ना पुष्यभूति वंश उसका एक राजा हर्षवर्धन हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था और पायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था ये पूछा जाता है कहीं कई कही सारी एग्जाम में आया हुआ चलो गाइस तो आगे चले हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन इसका पतन क्यों हुआ साम्राज्य तो हमने देख लिया हमने समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के बारे में बात कर ली अब हम बात करेंगे इस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ ठीक है तो पतन होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है णों का आक्रमण इनके समय में हुों का आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ तो इसके उत्तराधिकारियों को ईसा की पांचवीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तो हु का बहुत ज्यादा आक्रमण इनके काल में दिखाई देता आरंभ में तो गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के जोरदार प्रयास किए तो इसके बाद में जो स्कंदगुप्त तक हमें दिखाई देता है कुमार गुप्त स्कंदगुप्त वहाँ तक तो हु को रोका गया लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और वो हुणों के सामने टिक नहीं पाए जैसे हमारे यहाँ पर हिंद यूनानी आए ठीक है हमने शको की पार्थियन की कुषाण की बात की वैसे ही ठीक है वैसे ही हु भी एक आक्रमणकारी थे और इनकी वजह से गुप्त साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ दरअसल ये घुड़सवारी में बेजोड़ थे ऊण और शायद धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे वे लोग तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे और उत्तम धनुर्धर होने के कारण न केवल ईरान में बल्कि भारत में भी खूब ज़्यादा सफल हुए होंगे चार में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया और यही वो इलाका था जहाँ पर गुप्त साम्राज्य की हम स्थापना देखते हैं तो धीरे धीरे गुप्तों का इलाका हुनों ने खा लिया ठीक है पंजाब और राजस्थान जैसे बीच के इलाके भी उन हुनों के अधिकार में तो धीरे धीरे बहुत बड़ा राज्य हुनों के पास गया गुप्तों का इसके फलस्वरूप छठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया सिमट गया तो जैसे धीरे धीरे फैला था धीरे धीरे सिमट गया हुनों के कारण तो सबसे बड़ा कारण एक नोट कर ले पॉइंट गुप्त साम्राज्य के पतन का आपको रिट अगर समझना है तो पुराने सेशन आप एम लक्ष्मीकांत वाले देख लो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मैंने डिटेल में पढ़ाया है रिट क्या होती तो आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटी तो उस सेशन को जाके देखिए और पूरा रिट आराम से समझिए ठीक है थीके? अब आप देखो एक कारण तो हुनों का आक्रमण था जिसकी वजह से गुप्त गए इसके अलावा और भी कारण थे मालवा के ओलिकर सामंत वंश के यशोधर्मन ने उसके बाद जल्द ही हु को सत्ता को उखाड़ फेंका और उसने गुप्त शासकों को भी चुनौती दी और सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 में उसने विजय स्तंभ खड़े किए तो ओलिकर सामंत वंश आ गया हूण के बाद में ठीक है यशोधर्मन आ गया यशोधर्मन का शासन टिक नहीं पाया ज़्यादा समय तक लेकिन उसने भी गुप्त साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य दूसरे आक्रमणकारियों के कारण कमजोर होता चला गया लगातार आगे चलते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासकों ने बिहार में अपनी शक्ति जमाई उनके साथ ही साथ मौखरी वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित की और कन्नौज को राजधानी बनाई लगता है कि ५५० सौ ईस्वी के आते आते बिहार और उत्तर प्रदेश भी गुप्त शासकों के हाथ से चले गए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार धीरे 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 गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा है जिसमें हुनों का भी योगदान है ठीक है ओलिकर वंश का भी है इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे जैसे मोखरी वंश इसने भी धीरे धीरे इनके हाथ से सत्ता छीनी और फिर इस प्रकार से उत्तरी मध्य प्रदेश के स्वाधीन राजा लोग वो भी अपना स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया स्कंदगुप्त के शासन के बाद शायद ही कोई गुप्त मुद्रा या अभिलेख पश्चिम मालवा और सौराष्ट्र में मिला तो गुजरात भी चला गया गुजरात पर धीरे धीरे वल्लभियों ने अपना कब्जा कर लिया तो गुप्त साम्राज्य का हम क्या कहें एक प्रकार से बट गया टुकड़े टुकड़े हो गया कुछ भाग पर मोखरी वंश चला गया कुछ भाग पर हुन आ गए ठीक है ओलिकर आ गया वल्लभियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तो धीरे धीरे चार सौ सड़सठ ईस्वी के बाद हमें कोई बहुत ज्यादा इनका दिखाई नहीं देता उल्लेख संभवतः पाँचवीं सदी का अंत होते होते पश्चिम भारत गुप्तों के हाथ से निकल गया और इस प्रकार वाणिज्य व्यापार से होने वाली आय वो भी चली गई और आर्थिक रूप से ये पंगु हो गए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे गुप्त शासन के पतन का दूसरा कारण इनका आर्थिक रूप से कमजोर होना अब किसी भी वंश के पतन में आप जाना चाहे मौर्य हो गुप्त हो मुगल हो मैं आपको एक बात कंफर्म बता रहा हूँ कि आर्थिक कारण तो आएगा ही जब तक कोई साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है ना तब तक उसके गिरने की उसके पतन की संभावनाएँ कम होती और जैसे ही साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है आय के साधन कम होते हैं वैसे ही साम्राज्य का पतन होने लगता है क्योंकि आप फिर एक मजबूत साम्राज्य बनाए नहीं रख सकते यही मौर्य के साथ भी हुआ था यही गुप्त के साथ भी हुआ कि जब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी भारत जहाँ से इनका अच्छा खासा व्यापार वाणिज्य चलता था पश्चिमी समुद्र तट पर इनका कब्जा था लेकिन धीरे धीरे जब वो व्यापार और वाणिज्य ख़त्म हो गया तो गुप्तों के पास में आय के साधन कम हो गए तो माना जाता है कि गुप्त जो है आर्थिक रूप से पंगू हो गए पंगू मतलब समझते हो ना आप विकलांग हो गए कमजोर हो गए आर्थिक रूप से कमजोर और आपको तो पता ही है इतिहास में सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय इनको ही जाता है तो इन्होंने इतनी स्वर्ण मुद्रा जारी की इससे भी इनको नुकसान हुआ सातवाहनों ने सोना होते हुए भी कोलार की खान थी उनके पास लेकिन उन्हें सोने की मुद्राएं जारी नहीं की सात वाहनों ने सोने का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया लेकिन गुप्त वंश ने इनकी मुद्राएं जारी की सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा इन्होंने जारी कर दी इससे भी तो नुकसान हुआ होगा शासन की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई होगी खजाने पर असर पड़ा होगा बाद में इन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट शुरू कर दी मतलब शुद्ध सोने की जगह बहुत सारा मिलावट वाला सोना मुद्रा में जारी किया फिर भी तब तक इनको बड़ा भारी नुकसान हो चुका था ठीक है तो इन्होंने गुप्त जो है ये राज्य को विशाल वेतन भोगी सेना के रख रखाव में कठिनाई होने लगी अब बड़ा साम्राज्य कब होगा जब बड़ी सेना होगी तो बड़ी सेना ये मौर्य वंश में कॉमन है रटिए मत ये कॉमन सी चीज़ है जैसे आप पढ़ते हो ना मौर्य वंश में कि मौर्य वंश क्यों आर्थिक रूप से क्योंकि मौर्य वंश के पास विशाल सेना थी उस विशाल सेना को देने के लिए कुछ था ही नहीं तो कमज़ोर पड़ गया अब गुप्त वंश के साथ भी यही दिक्कत आ रही थी कि इनके पास भी बड़ी वेतनभोगी सेना थी और इनको भी सेना के रख रखाव में कठिनाई होने लगी आय कम होती जा रही थी आय कम होती जा रही है खर्चे वही हैं अपनी जगह आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो गया तो धीरे धीरे और क्योंकि धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से ग्राम दान करने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी और फिर एक और चीज़ कि दान बड़े बड़े गांव दान में देना भूमि दान में दे देना अनुष्ठान में धार्मिक कार्यों से प्रयोजनों से इससे भी राज्य की आय घटने लगी तो गुप्त वंश के साथ में भी वही दिक्कत आई कि धीरे धीरे आमदनी कम होती जा गई खर्चा वही था रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ठीक है श्रेणी मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी व्यापारियों का संघ एसोसिएशन टाइप ठीक है चार सौ तिहत्तर ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई और वहाँ उन्होंने अन्य पेशे अपना लिए तो इनके साम्राज्य से पलायन भी होने लगा व्यापारियों का व्यवसायियों का इससे प्रकट होता है कि वे कपड़ा जो वो तैयार करते थे उसकी मांग खत्म हो गई तो धीरे धीरे इनके यहाँ पर से माल की डिमांड भी खत्म हो रही थी पाँचवीं सदी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने स्वर्ण मुद्राओं में शुद्ध सोने का अनुपात घटाकर उसे किसी भी तरह जारी रखने की बहुत कोशिश की पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ तो धीरे 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 इन्होंने अपने सोने के सिक्कों में सोने का रेशो भी कम कर दिया मतलब उसको भी घटा दिया फिर भी फिर भी गुप्त साम्राज्य जो है वो बहुत ज्यादा फायदा उसका नहीं उठा पाया और ये खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया यद्यपि गुप्त सम्राटों का शासन छठी सदी के बीच तक किसी न किसी तरह चलता रहा मतलब ये लगभग साढ़े पांच सौ के आसपास तक चलते रहे फिर भी साम्राज्य की महिमा लगभग सौ साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी तो हम देखें तीन सौ से चार सौ इस काल में अच्छा खासा इनका साम्राज्य वगैरह रहा इसके बाद लगभग 500 सौ साढ़े पाँच तक ये जैसे तैसे आगे बढ़े पर गुप्त साम्राज्य का धीरे 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 पतन होने लगा तो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य जो हमने बढ़ा इसके पतन का कारण आक्रमणकारी भी थे इनके अपने अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे इसके साथ में जो हमने देखा इनकी कुछ नीतियाँ खासकर आर्थिक नीतियाँ और सोने के सिक्के जारी करने की नीति तो सच में गलत थी गलत डिसीज़न था वो इस सब से इनको बहुत नुकसान हुआ और आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुप्त काल स्वर्णकाल माना जाता है हमारे इतिहास में साहित्य का कला साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है कैसे किस प्रकार का जीवन था तो आज के लिए इतना ही अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक कर बहुत कम होते जाने क्या बात है भाई इतने सारे लोग देखते हो लाइक करने में क्या कुछ पैसा लगता है कोई समस्या है या आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है मेहनत लगती है परिश्रम लगता है मैंने कई बार आपसे कहा कि कोई एडुकेटर पढ़ाता है तो हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए उसको अप्रिशिएट करने में क्योंकि वो आप ही लोगों के करियर के लिए काम कर रहा है आपका भविष्य बने आपको अच्छा कंटेंट मिले नहीं तो फिर अगर आपकी तरफ से अप्रिसिएशन ही नहीं आएगा तो क्यों मेहनत करेगा कोई एडुकेटर आपके लिए जब सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या हम ना तो लाइक करते हैं हम कोई कमेंट में फीडबैक भी नहीं देते बस हम सेशन देखते हैं अपना काम निकालो आगे बढ़ो तो फिर आप एडुकेटर को डिमोटिवेट कर दोगे धीरे धीरे एडुकेटर डिमोटिवेट हो जाएगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा उसके सेशन का समझो इस बात को चाहे कोई भी मैं अपनी बात नहीं करा कोई भी एडुकेटर जितने भी एडुकेटर सुबह से शाम तक यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं वो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके अच्छे करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं और बदले में हम लोग इतना भी नहीं कर सकते कि उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर आप उम्मीद मत करिएगा उससे कि वो आपको बाद में कोई अच्छा कंटेंट इच्छा अंदर से ख़त्म हो जाती मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा लेकिन कई सारे एजुकेटर हैं बेचारे जो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनको स्टूडेंट अप्रिशिएट नहीं करते तो आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए मेहनत क्यों करेगा मैंने कई बार आपसे बोला कि मैं अपने लिए नहीं सबके लिए बोलता हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ जितने लोग आपके लिए मेहनत करते हैं हम बदले में उनको अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं ना चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सी के लाइव रेफरल कोड यूज करिए और इस रेफरल कोड को यूज़ करने से टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मेरे साथ ठीक है आप ज्वाइन करके जीएस पेपर वन टू फोर और ये सारा सब कुछ ठीक है पर्सनली मेंटोर के तौर पर मैं आपके साथ मेहनत करता हूं, आपको गाइड करता हूं हर एक चीज में आंसर राइटिंग से लेकर स्ट्रैटेजी से लेकर नोट्स से लेकर तो सब कुछ ठीक है फिर मिलेंगे कल थैंक्स फॉर वॉचिंग कल हम मॉडर्न इंडिया करेंगे बाय बाय गुड लक जय हिंद लेट्स क्रैक इट